नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। ऐसे वक्त में जब देश के PM नरेंद्र मोदी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि लोग अपने आप को घरों में रखें, तो कई धार्मिक संगठन ऐसे भी हैं जो लोगों को बेवजह उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब AIMIM पार्टी के मुखिया और हैदराबाद से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार या दफनाने के लिए जो दिशा निर्देश तेलंगाना सरकार ने बनाए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने देश भर के मुसलमानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी अपनी बात रखी। अजदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, दफनाए जाने के दौरान किसी भी कीमत पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि किसी को खोना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, उन्हें जोखिम में ना डालें। एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने तेलंगाना सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह सुनिश्चित करना सभी मुसलमानों पर निर्भर करता है कि नमाज जनाजा का मतलब भीड़ नहीं है। अजदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को शेयर करते हुए लिखा कि तेलंगाना में कोरोना संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए यह दिशा निर्देश है। खैर, ऐसे वक्त में इसी तरह के बयानों की जरूरत है ताकि कम से कम कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। धन्यवाद।